अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बटर मिल्क सांभर, बहुत ही टेस्टी और यमी बनता है। आधा लीटर दही है, ऑनियन बारीक से चॉप कर ली हूँ, टमाटर है फ्लेवर के लिए, पुदीना है, लहसुन है और है कोतमीर। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं दही को फेंट ली हूँ, थोड़ा पानी ऐड करके। देखिए इस तरह से चाहिए हमें सांभर बनाने के लिए। गर्मियों में खाने का तो मज़ा ही कुछ अलग है। एक बार आप बना के खाएंगे ना तो बार बार खाएंगे। यहाँ पर मैं रखी हूँ कढ़ाई, आप डालेंगे ऑयल, दो चम्मच जितना ऑयल डालेंगे। इसको ऑयल ज़्यादा नहीं लगता है कढ़ी बनाने के लिए। ऑयल गर्म होने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन। सबसे पहले लहसुन डालने से क्या होता है, फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। अब इसमें डालेंगे ज़ीरा राई। ज़ीरा राई हाजमे के लिए बहुत ही बेस्ट है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मैं ऐड कर ली हूँ, इसको अच्छे से तड़कने देंगे। तड़कने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी ऑनियन। ये देखिए ऑनियन को मैंने बारीक से चॉप कर लिया था, एक बड़े साइज का मैंने ऑनियन लिया था। इसको अच्छे से पकाना है कच्ची स्मेल जाने तक। अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर। मैंने दो टमाटर लिए थे, इसको भी मैं चॉप कर ली हूँ और कलर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और खाने में भी इतना टेस्टी बनता है, आप लोग खाएंगे ना बार बार बनाएंगे। यहाँ पर दही में मैं ऐड कर रही हूँ नमक। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। माशाल्लाह से कलर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हल्दी मैंने डाल दी है आधा चम्मच जितना। इसके बाद मैं कोतमीर ऐड की हूँ। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए ये भी अच्छे से गल चुके हैं टमाटर और ऑनियन। इसमें मैं डालती हूँ कोतमीर। कोतमीर लास्ट में डालिए, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। फ्लेम को मैंने हाई रखा है। यहाँ पर देखिए मिक्स कर लेंगे दही को। इसको एक मिनट तक पकाएंगे। मैंने फ्लेवर के लिए पुदीना ऐड किया है, थोड़ा ही डाला है। देखिए मैं डिश आउट कर ली हूँ। आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना और ट्राई करना अच्छी लगी तो। ये राइस के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। अल्लाह हाफिज़, बाय।